इस बार तो बहुत अच्छा लगा कि फाइनली इस बार चैंपियंस ट्रॉफी मिला, इस बार जीते 5 गोल्ड मेडल, मतलब हाईएस्ट पॉइंट आया हमको मेरे एज ग्रुप में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल से आके हम इसको स्विमिंग ले जाते हैं, 2 घंटे पटना क्लब, 2 घंटे कैंपस क्लब, दो जगह स्विमिंग करती है, फिर 2 घंटे जिम ले जाते हैं, 6 घंटे इसका प्रैक्टिस होता है। सबसे अच्छा है कि ये प्रैक्टिस करना चाहती है। पढ़ाई भी जरूरी है। अम्बालिका में एक चीज़ देखे हैं कि कंपटीशन की तैयारी करना और पढ़ाई दोनों में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की हुई है, कि ये नहीं कि हमको कल स्कूल जाना है, होमवर्क नहीं है, नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग से आती है तो अपना पढ़ाई करती है, होमवर्क भी पूरा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी। मैं प्रीतम कुमार इस वक्त हूँ मैं पटना के एसके नगर इलाके में, जहाँ पर मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ सब जूनियर और जूनियर बिहार स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप के विजेता, गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है, अम्बालिका प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्बालिका हमारे चैनल में। थैंक यू। ये इस बार की जो चैंपियनशिप है सब जूनियर और जूनियर बिहार स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में, आपने गोल्ड जीता है। सबसे पहले तो अपनी जो आपका जो उत्साह है उसके बारे में बताइए, कितने खुश हैं आपके गार्जियंस, कितने खुश हैं? इस बार तो बहुत अच्छा लगा कि फाइनली इस बार चैंपियंस ट्रॉफी मिला, इस बार जीते 5 गोल्ड मेडल, मतलब हाईएस्ट पॉइंट आया हमको मेरे एज ग्रुप में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा भी बहुत खुश है इस बात से, तो और स्कूल में भी मेरे दोस्त सबको भी बताया तो वो लोग भी बहुत खुश है। और लेकिन इसके लिए बहुत प्रिपरेशन भी लगा था, तो और अच्छा लग रहा है कि मतलब प्रिपरेशन किए तो अच्छा परफॉर्मेंस भी आया। अब कंपटीशन कैसा था, मतलब बहुत मुश्किल था या फिर जो उम्मीद जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं का कुछ ज़्यादा था? जिस जिस एक्सपेक्टेशन से गए थे वैसा इवेंट तो मिला, लेकिन उसमें भी सक्सेसफुली जीत गए तो और अच्छा लगा, और आसान फिर लगा कि और आसान हो सकता है आगे जाके। प्रिपरेशन क्या बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था या फिर स्कूल वगैरह कुछ को मैनेज करना पड़ रहा था? हमेशा तो स्कूल जाना ही पड़ता था, अब पढ़ाई भी ज़्यादा हो गया तो कभी जिम छोड़ रहे थे, तो कभी एक दो जगह स्विमिंग जाते तो कभी कभी एक जगह छोड़ देते थे। इसके बाद जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आप नेशनल चैंपियनशिप में भी भाग लेने की तैयारी चल रही है, कहाँ पर सिलेक्शन हुआ? ये जो अभी बिहार स्टेट का स्विमिंग चैंपियनशिप हुआ उसी के थ्रू सिलेक्शन होता है, इसमें तो सिलेक्शन हुआ है, ये इवेंट भुवनेश्वर में होगा नेशनल चैंपियनशिप। हाँ, वहाँ की क्या तैयारी है? वहाँ के लिए अभी प्रिपरेशन चल रहा है, वापस से स्टार्ट किए अपना, और फिर से दो जगह प्रैक्टिस और जिम। उसके अलावा भी मैंने सुना है कहीं और भी नेशनल चैंपियनशिप में आपका सिलेक्शन हुआ है, जो डेट जो है आपका वो क्लैश कर रहा है? रीजनल है वो, ICSC का जो जमशेदपुर में कंपटीशन होता है उसके लिए है, जिससे नेशनल का सिलेक्शन होगा उसका, CISC के। तो तैयारी क्या है, मतलब नेशनल चैंपियनशिप में बिहार को आप कुछ और गोल्ड दे पा रहे हैं इस बार? हाँ, मतलब ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मम्मी पापा का क्या सपोर्ट है आपको इस खेल के लिए? मम्मी हमेशा प्रैक्टिस के लिए लेके जाती है और पापा यूजुअली बाहर जाते हैं मेरे साथ, जब कहीं कभी जमशेदपुर जाना रहता है तो उड़ीसा, वो सब पापा जाते हैं और कभी कभी मम्मी आती है। मतलब फुल ऑफ सपोर्टेड है, मतलब गार्जियन से फुल सपोर्ट है? हाँ, फुल सपोर्ट है। अच्छा, मैं अगर बात करूँ थोड़ा आगे का एक विजन का, तो बहुत आगे क्या करना है आपको? मेरा तो आगे का विजन है कि हम ओलंपिक्स खेलें, नेशनल मेडल आए और होपफुली एक नेशनल रिकॉर्ड भी सेट करें। किसी भी क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है, तो कोई मोटिवेट करता है, कोई एक खिलाड़ी होते हैं, तो आपके आपके नज़र में वो कौन? हमको मोटिवेशन के लिए माइकल फेल्प्स मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनका जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है वो हमको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरा भी मेन स्ट्रोक बटरफ्लाई ही है, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उनसे। और कोई कोई दोस्त है तो उन सब कोई के जो मेरी सीनियर है हमसे बेहतर है, वो सभी बहुत मोटिवेट करते हैं, जैसे माही है और तो वो नेशनल लेवल पे है, तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि हम भी नेशनल लेवल पे उससे बेहतर परफॉर्मेंस से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अम्बालिका आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अब नेशनल चैंपियन की ओर चली है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ये तैयारी कर रही है कि उस लेवल पर जाना है, विजन इनका जो है वो काफ़ी बड़ा है। बोल जिंदगी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बधाई भी है इस
गोल्ड मेडल के लिए। मैं चाहूँगा कि मैं अंबिका के गार्जियन से ही बात करूँ, क्योंकि अंबिका अंबालिका ने जिस तरह से बताया है कि उनके गार्जियंस काफ़ी सपोर्टिव हैं, मम्मी और पापा दोनों जो है वो कॉपरेट करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उनके गार्जियन से बात करें। अंबालिका के माँ और पिता हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बोल लीजिए, बहुत स्वागत है। आपका नाम? सती रमन कुमार प्रसाद हुआ। आपका नाम? ऋतु रीना। तो जैसे कि अंबालिका ने इस बार गोल्ड मेडल अचीव किया है सब जूनियर और जूनियर बिहार स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में, इसके बाद जो है वो उन्होंने जैसा कहा कि अब नेशनल चैंपियन के जाने की तैयारी है, उनका सिलेक्शन हो चुका है और गार्जियन जो है वो काफ़ी सपोर्टेड हैं। कैसे टाइम मैनेज करते हैं सर आप? टाइम तो मम्मी ही इसकी ज़्यादा ये देती है, क्योंकि एक वर्किंग वूमेन को बहुत देख के चलना पड़ता है, तो स्कूल भी जाती हैं और बच्चे को परफॉर्मेंस कैसा हो चाहे खान पान सब देखती हैं, यही मैनेज यही करती हैं, ले जाती हैं दो दो जगह कंपटीशन तैयारी कराने के लिए। और हमारा बेसिकली जो रहता है फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे वहाँ के मैनेजमेंट से बात करना है, कैसे ले जाना है नहीं लाना है, क्या वहाँ पर एकोमोडेशन का है, सब मैं देखता हूँ और यहाँ का व्यवस्था ये देखता। चलिए, तो हम सीधा अब होम मिनिस्ट्री में बात करते हैं कि कैसे वो टाइम मैनेज करती हैं। घर में सारा घर का काम है और उसके बाद जो है वो अंबालिका के लिए बाहर भी जाना होता है उनके प्रैक्टिसेस के लिए। मैम, कैसे मैनेज करती हैं? घर का काम तो मैनेज हो जाता है बिकॉज मेड रखा हुआ है मैंने खाना बनाने के लिए, तो और हस्बैंड से भी सपोर्ट पूरा मिल रहा है, ये खाना भी खा लेते हैं बनाया हुआ मेड का। उसके बाद स्कूल से आके हम इसको स्विमिंग ले जाते हैं, 2 घंटे पटना क्लब, 2 घंटे कैंपस क्लब, 2 जगह स्विमिंग करती है, फिर 2 घंटे जिम ले जाते हैं, 6 घंटे इसका प्रैक्टिस होता है। सबसे अच्छा है कि ये प्रैक्टिस करना चाहती है, इसको बहुत इंटरेस्ट है कि नेशनल में मेडल आए, हम इंटरनेशनल में खेले, इसके लिए खुद ही मेहनत करती है तो साथ में हम लोग भी सपोर्ट कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा इसके ट्रेनर भी बहुत मेहनत करते हैं। इस बार चैम्पियनशिप के लिए वो लास्ट ईयर से ही पूरे सीज़न, पूरे विंटर सीज़न ये प्रैक्टिस की है, पूरा प्लान करके कि कौन से इवेंट 5 खेलेंगे जिसमें अच्छा से बेस्ट टाइमिंग दे, बाकी सारे कॉम्पिटिटर को हरा सके और चैंपियनशिप लाए। तो बहुत मेहनत इसका भी रहा और ट्रेनर का भी इसके रहा। एक सवाल करूंगा, क्योंकि अंबालिका के लिए नहीं, क्योंकि अंबालिका को जो उनके पेरेंट्स मिले हैं वो तो चलिए बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। वैसे कुछ पेरेंट्स जो अपने काम काज का दुहाई दे करके बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, उनके लिए कुछ अगर मैसेज देना चाहें तो आप दे सकती हैं? थोड़ा सा बच्चों के प्रति ध्यान देना चाहिए, क्या कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों पर ध्यान देना है, थोड़ा सा समय निकालें। और घर की महिलाओं के लिए आप कुछ मैसेज दें? घर की महिलाओं को चाहिए कि अपने बच्चों का जिस तरफ रुचि है वो ध्यान देना चाहिए, जिस बच्चों का जिस तरफ रुचि है उस तरफ अगर ध्यान देंगे तो उसकी प्रतिभा निखर के आएगी, ये दिखाई देगा, और साथ में पूरा परिवार भी मैनेज कर सकते हैं। अगर सारे लोग सपोर्ट करते हैं तो घर की महिलाएं बहुत अच्छे से कर सकती हैं सब कुछ मैनेज। पढ़ाई भी जरूरी है। अंबालिका में एक चीज देखे हैं कि कंपटीशन की तैयारी करना और पढ़ाई दोनों में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की हुई है, कि ये नहीं कि हमको कल स्कूल जाना है, होमवर्क नहीं है नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग से आती है तो अपना पढ़ाई करती है, होमवर्क भी पूरा करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अंबालिका के पेरेंट्स थे जिन्होंने बताया कि कैसे वो अपना टाइम मैनेज करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को आगे ले जाना है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चों का जो हौसला है वो कहीं ना कहीं टूटता दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।